Aku tidak. Apa yang buat kesurah ya, karena menurut saya di seni kadang itu yang penting, oke. Love you. हमारी चिंता कई लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं होनी चाहिए, बादशाह को कोई अप्रोप्रिएट नहीं कर सकेगा और इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि निश्चिंत हो सकते हैं। मुझे थोड़ा डर लगता है, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी आसान होगी। अगर अप्रोप्रिएशन पॉसिबल नहीं होता तो प्रिपरेशन की कोशिश नहीं होती। इस समय आपके पास अगर इंटरनेट है, मोबाइल है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक टाइप कीजिए, सबसे पहली किताब निकल के आती है। चिंता होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी जाहिर आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोले और हमारे हम तो थोड़ा पुराने हो गए, हम सारे लोग हमारे बाद वाले लोग अगर उस किताब को अनुमति राय के नाम से जाने और अगर फिलदर नहीं होते तो उसका जो इंटरनेशनल एडिशन था कौन पब्लिशर था वर्ष गया उस किताब में दो ऑथर थे इनिलेशन कास्ट के अरुंधति राय एंड बी आर अम्बेडकर। मुझे लगता है चिंता होनी चाहिए और चिंता इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि बात वहां पर रुकी नहीं है। हमारे शहर में जब किसी कॉलेज में किसी की पिटाई होती थी और जम के जब पिटाई होती थी हम लोग बोलते थे लेफ्ट राइट और सेंटर से दिया। अभी लेफ्ट राइट और सेंटर से दिया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये अरुंधति की लोकेशन आप एक ब्रॉडली मान सकते हैं कि लेफ्ट लोकेशन से वो बोल रही है। अभी एक किताब आई है आरएसएस की, इस किताब की जो मुझे पता चला उसके हिसाब से 2 लाख कॉपी छापी गई है राष्ट्रपुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से। और ये किताब ये बताती है कि बाबा साहब का मुसलमानों से क्या क्या झगड़ा था। पहली का नेक्स्ट एडिशन इस बुक पर होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पर करने वाला है
लेफ्ट राइट ऑफ सेंटर तीनों तरफ से आ रहा है और लेफ्ट राइट ऑफ सेंटर पोजीशन साथ ही इवन इस चैप्टर में भी बाबा साहब सोशल स्लोक को एड्रेस कर रहे हैं और पूरा चैप्टर एक हिस्सा उसको इस एनालिसिस ऑफ कास्ट में है कि सोशल स्लोक क्यों कास्ट को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इन कास्ट इज नॉट सॉल्यूशन इसको यहाँ से अभी इस समय आप देखेंगे तो ये बोलते हुए बहुत आसानी से लोग अपने जाति को लेकर जो उन पर गेज है उसको वो कहने कहीं से डाइवर्ट कर पा रहे हैं और अच्छा हुआ है कि पहली बार अरुणोदय स्थिति में उनसे दो बार मुलाकात हुई और दोनों बार उनके ये चिंता थे कि देश की बहुत बड़ी आबादी उनको शक्ति मिला सके और अब वो लगातार उनके तीन चार जो आखिर के स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे जो सबसे चर्चा वाले स्टेटमेंट थे उसमें लगातार वो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं ये मीडिया ब्राह्मण बनिया था ये स्टेटमेंट उन्होंने ग्रोथ फिल्म फेस्टिवल में दिया है लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कहीं ना कहीं माइंड उनके लिए है कि लोग उनको देख रहे हैं गेज पहली बार दलितों पर नहीं है गेज अब उन पर भी है जो अब तक अपनी हेजमनी चला रहे हैं तेजी लाइब्रेरी में जाइए जाकर देखिए विलमा का कोई रिसर्च नहीं हुई है भूमियारों पर कोई रिसर्च नहीं हुई है नहीं होती है दलितों पर कोई लाइब्रेरी नहीं जाएगी दलितों के अंदर क्या हो रहा है इसको लेकर वो सब कुछ जानते हैं मांग और महार कैसे लड़ रहे हैं मलिका जाटा और पासी के बीच का कितना लड़ाई इन सब पर रिसर्च हो चुका है पहली बार सर मुझे लगता है कि हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की जबकि केस अब उन पर भी होगा हम आपको भी देखना चाहते हैं आप क्या कर रहे हैं आपने ऐसा क्यों बताया और मुझे आप क्या कर रहे हैं ये सवाल क्योंकि पहली बार पूछे जा रहे हैं इस वजह से ये किताब सबसे ऊपर कहीं पर एग्जिस्ट कर रही है और कोई अरुंधति जैसा ना देवी वाला ग्लैमर है ना बाकी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो उस तरह की चीजें हैं जहां से किताब बेची जा सकती इसके बावजूद इस किताब पर इतना एक तरह से बहुत हमें भरोसा भी देता है कि दम है एक बात मुझे पता है जितना समय मेरे पास है और एक दूसरी चीज मुझे लगता है एक बात हमें देखनी चाहिए और इस डिबेट में जाना चाहिए कि क्या जब ये सारी डिबेट काउंटेबल में आ रही थी बहुत मेहनत से भानु जी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार करके हम सब साइड को दिया है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर 150-200 राइटर्स से बात कर रहा हूँ उसी हिसाब से मैं चीजों को रखने की कोशिश करूंगा तो जब ये डिबेट आई तब सवाल आया कि क्या दलितों के बारे में सिर्फ दलित बात करेगा ये पहला सवाल इस तरह से ही आया था तरफ से भी आया था बाकी लोगों ने भी ये कहा था कि क्या बाबा साहब सिर्फ आपके हैं नहीं तो इस तरह से नहीं देखते ये जरूर है कि हम स्टैंड पॉइंट से देखे जाने वाली चीजों का एक महत्व है ये जानते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस का भी एक महत्व है और लिव्ड एक्सपीरियंस ये नहीं हो सकता है कि आप जाके कुछ दिन दलित बस्ती में रह लिए और थोड़ा सा दंतेवाड़ा देख लिया इसलिए आप दंतेवाड़ा पर बात करेंगे बात कीजिए कोई दिक्कत नहीं है हो सकती है लेकिन अगर दंतेवाड़ा में रहना आपकी मजबूरी नहीं है तो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है आपके अगर फ्रीडम चॉइस है कि आप एक सिमुलेटर में रह के चांद जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके आप उसके अंदर हैं और आपका जब दम घुटने लगे तो आप कहें कि हाथ लगा के ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो ये लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है चांद में कोई आदमी है वहां उसको ऑक्सीजन क्यों पड़ गई और मरने वाला है तब वो उसका लिव्ड एक्सपीरियंस है ये फर्क है दोनों का आप शौकिया तौर पर जाकर किसी बस्ती में जाकर दो दिन रह के आप लिव्ड एक्सपीरियंस को क्लेम करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है इसके बावजूद हमारी जो परंपरा है मुझे लगता है कि फुले साहब ने जब गुलामगिरी अमेरिका के उन गोरे लोगों को समर्पित की थी व्हाइट लोगों को समर्पित की थी उन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी हम उस परंपरा के लोग हमें दिक्कत नहीं क्या सब लोग उस पर बात करें दलितों के शुद्ध सिर्फ दलित बात करें इस तरह का वाइस हम बिल्कुल नहीं चाहिए हम कम से कम नहीं जो तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ एक शेयर्ड जॉय शेयर्ड सौरव के साथ एक नेशन बने यही तो कल्पना बहुत साथ की थी तो हम इस तरह का नहीं देखते हैं कि दलित दलित पर बात करें बल्कि इस तरह की बात तो ज्यादातर इस समय भी आपको अगर वो इंडियन आइडियोलॉजी पर जो वो क्रिटिक आई है पार्थ
सुनीता गोदार की, उसमें बल्कि वो सवाल उठाते हैं कि पेरी एंडरसन ब्रिटिश आइडियोलॉजी दे रहे हैं, क्योंकि ये पेरी एंडरसन इंडियन आइडियोलॉजी में जो लेफ्ट और सेंटर और राइट तीनों की जो कैलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट था उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 6000 साल की कोई का कोई हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी हमारी ये इंडिया की नहीं है, तो सारा प्रकाश इंटेलेक्चुअल्स उनको ये कह रहा है कि ये ब्रिटिश आइडियोलॉजी है। और क्रिटिसिज्म भी कितनी अजीब तरह है, पता नहीं अमेरिका ने क्या क्रिटिसिज्म की कि बिब्लियोग्राफी नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, पर ये दर्शन कह रहे हैं कि बिब्लियोग्राफी नहीं है, नहीं है वो एसेज लिखे उन्होंने इसलिए नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई पेरी एंडरसन को लिखना नहीं आता, मतलब अजीब तरह की आप उस इतने बचकाने तरीके से उस किताब को क्रिटिक है। तो ये बल्कि विवाइशन मुझे लगता है कि पाथफाइंडर कंपनी और ये सारे लोग इसमें लेफ्ट राइट सेंटर सारे इस तरह का जो प्रकाश इंटेलिजेंसी है कंट्रोल वो ज्यादा इस तरह का विवाइश करता है, एक दूसरे की बात करता है। आप लुई मो की फिट है तो क्रिटिक करने के लिए उसमें दीपांकर गुप्ता लेख लिख देंगे, लेकिन इंडिया में कोई किताब आगे का आपको बात नहीं करेंगे, मार देंगे, तो बात नहीं करके मार देंगे आप उसको, आप उसके बारे में किताब में लेख नहीं लिखेंगे, आपको नहीं भी समझ में आ रहा लुई मो बात करेंगे, मतलब अजीब किस्म का ये जो मतलब न देख के मार देना भी जो है ये असल में ज्यादा असल में प्रकाश की तरफ से आ रहा है। तो हम उस तरह के लोग नहीं, मुझे लगता है कि बाबा साहब को बात करने का सबको अधिकार है, और अगर अरुणती ने बात की है यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत यह है कि वो या उनका जो पब्लिशर है वो अपनी वेबसाइट को ये बताता है कि एनालिसिस ऑफ कास्ट की लेखिका अरुणती है, और जब कुफिर दर्जे से लोग सवाल उठाते हैं तब हड़बड़ी में उसको हटाते हैं, हटाते भी क्या है वो उनका जो कवर है जो इंटरनेशनल एडिशन का उसके कवर में बाबा साहब से दोगुना बड़ी साइज में लांगी है, जबकि एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब महात्मा गांधी को बात करने के लायक नहीं समझते, गांधी का नाम पूरी बात मैं गलत हूं मुझे डायरेक्ट कीजिए, मुझे तो एक बार दिख रहा है एनालिसिस ऑफ कास्ट के पूरे 300 बुक में महात्मा गांधी का नाम सिर्फ एक बार आया है, और ये बोलते हुए गांधी कैसे असफल रहे हैं। बाबा साहब इस किताब में गांधी को एड्रेस नहीं कर रहे, गांधी की उनको परवाह नहीं है, वो हिंदू धर्म के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो जाति पाट की थोड़ा मंडल चला रहे हैं, उस समय तक गांधी की हिंदू स्वराज आ चुकी थी और वर्ण व्यवस्था सही है ये पोजिशन गांधी ले चुके थे, इसलिए गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों से बात कर रहे हैं। संतराम ने उनको इन्वाइट किया था, जो खुद बहुजन समाज से आते हैं थे मतलब जो भी, तो ये गांधी को जब आप एक बुक बनाते हैं एनालिसिस ऑफ कास्ट की उसके तौर पर गांधी को आप बस फोटो शायद होगी आपको अगर नहीं देखी है तो इंटरनेट पर उसको निकालिए, वो बहुत दिलचस्प किस्म की चीज़ें हुई है सर इस बारे में इस बीच में, और अच्छा है कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो ये किताब है। अब गांधी उसमें इतने बड़े से हैं, आपको अम्बेडकर यहाँ पर ये छोटे से दिख रहे हैं, गांधी के अंदर में अम्बेडकर को डाला गया है, अपने आप को होगा राइटर का कोई इसमें की कोई एजेंसी नहीं होगी, पब्लिशर नौजाना कैसे खुशी गुस्सा होगा ना, तो अब हम अगर इन लोगों को बदमाश लोग कहें क्या हम रखते हैं, दर्शक तमाशियां हुई है इस वजह से